हेलो शंकर मैम। जी सर नमस्ते। मैं मेनका गांधी बोल रही हूँ। जी। मैंने तुमको बोला था केस वापस लेने के लिए, तो हैरान कर रहे तुम्हें क्यों नहीं। नहीं सर, कागज निकलवा रहा हूँ, वकील साहब से आपसे बात कर रहा हूँ। ये सब झूठ है। नहीं सर, आज जैसा 3 दिन से मैंने अभी गंगाराम से भी कल बाबा ने फोन करा, कल देखो ये सब बकवास है। सारा गाँव एक तरफ हो गया है, तुमसे नफरत करने लगा है। या तो तुमको गाँव छोड़ना पड़ेगा या तो तुम ये केस वापस ले लो। मैं तुमको बता रहा हूँ, वापस लेने के लिए मैं कागज मैंने जेल का एकदम तो लिख के मुझे तुमको कागज निकालने की जरूरत नहीं, तो बस लिख करके दे दो अदालत। तो लिख के लिखने के लिए वकील साहब से तो लिखवाऊंगा। कोई वकील साहब की जरूरत नहीं है, तुम बबलू के साथ जाओ। बबलू परसों साहब आए थे तो मैंने ये कहा, मैंने भाई पापा थोड़ा नाराज है, मैं पापा को समझा रहा हूँ और कल मैं लड़की को लेके जा रहा हूँ। ये सब बकवास मुझे सुनना नहीं है शंकर मैम। मैं तुमको बता रही हूँ, ये आखिरी दफा मैं तुमसे बात करूँ। उसके बाद जब तुमको घर बार छोड़ना पड़े ना, तुमको पता चलेगा कितने केस लगाओगे। जब पूरा गाँव एक तरफ है तो तुम मस्जिद रूप से रहोगे जब तुम्हारे ऊपर हमले होते रहेंगे, समझ गए। कितने केस लगाओगे, एक दफा लक्ष्मण रेखा पार हो गए तो सब लोग ठीक हो जाते। तुम 10 केस लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी साहब, कम से कम शांत तो बैठे, मैं ये कह रहा हूँ शांत तो बैठो। मैं तुमको कोई शांत वांत कुछ नहीं बैठे, तुम एक नंबर के बदमाश आती हो। अब तुम जाओ और वो केस वापस ले करके आओ आज ही। समझ कर ना मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ समझ गया। आज ही ये केस वापस लेना है, अदालत में जाओ और बबलू को बोलो तुम्हारे साथ चले जाए। चलो मैं बबलू बुला रहा हूँ साहब, अभी मैं बुलाओ। सर मैं